बस 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 अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हमारा फार्म ही 1000 गज का है। ठीक है सर बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग करियर से होंगे। तो भाई आज दोबारा से हंसी भी कैटल फार्म से न्यू वीडियो लेकर हाजिर है ना। टाइटल ऑफ थंबनेल आपने देख लिया हुआ होगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फार्म ले लिया है। ठीक है, और अभी मैं पुराने वाले फार्म पर हूँ, तो अभी मैं आपको न्यू वाले फार्म पे लेके जाता हूँ, सारी सेटिंग दिखाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, हम तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन से लगे हुए थे। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कहा था भाई, एक न्यूज़ है कि कोई भाई समझ भी गए थे, और जिन्हें जो नहीं समझे थे, तो भाई जो मेरे पुराने देखने वाले हैं तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगी भाई कहाँ से स्टार्ट लिया था। और बस यही है कि मैं अल्फाज में तो नहीं बता सकता मुझे दिल से कितनी खुशी है। तो बाकी ये है कि फार्म दिखाता हूँ मैं आपको, और सारी सेटिंग ये है कि भाई वहाँ पे कौन से जानवर जा रहे हैं मैं ये भी बता दूँ। भाई वहाँ पे जा रहे हैं हमारा गायें बच्चे, सारी बछड़ियाँ जो हैं 2-3, और बाकी जो गायें हमारी वो सारा सेटअप वहाँ रहेगा, और यहाँ पे जो पुराने वाला फार्म है यहाँ पे रहेंगे बछड़े। तो ये सीन है, क्योंकि यहाँ पर ना जानवर माशाल्लाह अभी लास्ट टाइम 5 बछड़े आए थे तो फुल हो गया। ठीक है, तो गायें वहाँ चली जाएंगी और बछड़े यहाँ रहेंगे, एक सेटिंग के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे चलता हूँ। और हफ्ता हो गया, वहाँ पे शेड वगैरह डलवा दिया है पूरा, और क्या कहते हैं सफाई वगैरह नदीम ने पूरी कर दी है। अभी एक शेड और टलना है, तो वहाँ पे जाके मैं अभी जाऊँगा तो आपको पूरी सेटिंग बता दूँगा। ठीक है, तो भाई बहुत खुशी हो रही है, और बस ये कि मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आपको फार्म दिखाता हूँ पहले जाके। अभी ये मुइन है, पानी वगैरह पिला के सब बच्चों को अंदर कर रहा है, वंडा लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ें भाई। और फार्म पे आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि भाई फार्म कैसा लगा, और सारी बस यही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भाई भलाई के लिए जानवर देना चाहता है इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अभी हैं, अभी स्पेस हो गई है। और ये है कि तकरीबन अभी ये सीज़न तकरीबन आपको पता है कि भराई वाला टाइम आ गया है। तो ये है कि पिछली बार भी ये हुआ था, 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे पास माल आ रहा था, तो मैंने मना कर दिया था, जगह भी नहीं थी, और फिर वो टाइम नहीं रहता ना, क्योंकि पिछला माल को सेट करें फिर अगले माल को तो मज़ा नहीं आता। जो 5 महीने ये टाइम है कि इंशाल्लाह इसमें सेट हो जाए, क्योंकि अभी भराई वाला सीज़न स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बाकी ये कि अभी मक्खन, तकरीबन मक्खन का टाइम, अभी मक्खन चल रहा है, मक्खन का टाइम ख़त्म होने वाला है, अब घी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई नंबर चल रहा है, जो भाई देना चाहता है वो दे भी सकता है। और भाई वीडियो पूरी देखनी है वीडियो, ठीक है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, और सारी चीज़ें ये। और आप मुझे बताइएगा भाई फार्म कैसा लगा, कैसा स्टेप है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं वीडियो करते हैं स्टार्ट, और ये देखें भाई, पहले मैं अपना फार्म दिखा दूँ, ये मेरा फार्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम आगे निकले, ये प्लॉट छोड़ के, ठीक है, उससे बराबर वाला फार्म है। मुइन मेरे साथ है, नदीम आ रहा है, तो चले मुइन को पकड़ते हैं। पहले मैं आपको टूर करवा दूँ, अभी शिफ्टिंग है, वंडा लगा हुआ, वंडा खा ले फिर पानी वानी पी के कल इंशाल्लाह कल सुबह का पहला वंडा यहीं मुइन भाई देंगे। सही है मुइन भाई, यहीं दोगे? खोलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये हमारा फार्म ही 1000 गज का है। ठीक है, माशाल्लाह सफाई वगैरह इन्होंने कर दी थी, कल सुबह ट्रॉली आ जाएगी, ट्रॉला वाला, तो ये कचरा उठा लेगा बाकी ना। ठीक है, बाकी माशाल्लाह सफाई कर दी थी भाई। ये एंट्रेंस है, ठीक है, अच्छा ये पौधे रहते हैं, ये हमने सोचा है कि इसको ना बकरे वाला रूम बना देंगे, अंदर सिर्फ एक जंगली पेड़ है तो वो काटेंगे। ठीक है, बाकी तो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे झाड़ियाँ हुई हुई थी, शेड पूरा टूटा हुआ था, तो बाकी इन्होंने मेहनत करी है भाई 2 दिन में, और ये सफाई करी है। बाकी ये है, ये हमारा बकरों वाला रूम है भाई, बकरे बनाएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं, मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। ठीक है, और इस तरफ आ जाते हैं भाई, यहाँ पर 3 रूम है, सबसे ज़बरदस्त ये बात है। तो एक रूम ये भाई, ये हमने सोचा है कि ये वनडे वाला रूम दे देंगे भाई, इसमें वॉशरूम भी है। ये वनडे वाला दे देंगे या कोने वाला दे देंगे, ये तुम लोग रख लेना इसी तरह ना। और ये वॉशरूम है, कमोड वगैरह लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है। ठीक है भाई, एक ये रूम है, और एक ये है, रूम नहीं है ये किचन है भाई,
ये किचन है, यहाँ तुम खाना बना लिया करना, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे स्लिप वगैरह लगा देंगे। तो ये भाई आज जल्दी करनी थी क्योंकि माल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, तो ये सीन है। रूम भी कह सकते हैं, फ्लोर भी कह सकते हैं, किचन भी बना लो, किचन वहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे। और एक भाई ये कमरा है, ठीक है, बाकी ये तो आरसी तौर पर रहेगा क्योंकि सारा सामान तो इनका वहाँ पर है। यहाँ भी वॉशरूम है, अंदर दरवाजा नहीं लगा हुआ। बाकी भाई ये बड़ा लंबा चौड़ा सा एक कमरा है, ठीक है। बाकी भाई ये पानी की खोर आ गई, पानी इन्होंने भर दिया था कल ही, और माशाल्लाह तकरीबन भाई 20 माल यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी गायें वगैरह, टोटल 20 माल आराम से खुल्ला डुल्ला होके खड़ा हो जाएगा कल सुबह। ये सफाई कर दिए, ठीक है, ये नीचे की है और इसके ऊपर कोई मसला नहीं है क्योंकि गायें वगैरह खड़ी होंगी। तो ये सीन है भाई, शेड पूरा नया डला है, पूरा टूटा हुआ था, तो ये थोड़ा नीचे गायों के हिसाब से बेहतर है, ठीक है। और कोई चीज़ है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा भाई पीछे 2000 गज़ का प्लॉट है, तो हमने 1000 गज़ लिया यहाँ की। कल ये ब्लॉक्स वगैरह आ गए, तो कल परसों में ये यहाँ पर इनकी बाउंड्री वगैरह हो जाएगी, पूरा पैक हो जाएगा। और जो मैं शेड की बात कर रहा था ना, तो भाई यहाँ से हमारा एल शेप में दोबारा शेड शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो तकरीबन हमारा 20 यहाँ पर हो जाएगा, तो 35 माल आराम से खुला डुल्ला होके खड़ा हो जाएगा, तकरीबन 35 माल इस तरीके से। तो भाई ये सीन है, अभी थोड़ा सा गंद है, ये हमारा सामान बच गया था, तो ये वहाँ पे काम आ जाएगा अपने वाले वनडे वाले रूम में ना, ठीक है। तो भाई ये बस जल्दी करिए, फार्म मिल ही नहीं रहा था भाई, यही फार्म मिला है, और बस ये कि टूटा फूटा था पूरा, तो हमने शेड वगैरह ही बनाया है इसका फ़ौरन ना, कि भाई जो भी है बस यही है, ठीक है। और बाकी ये कि शेड वगैरह हमारा यहाँ पे बनेगा, आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा, एक करीब भी है, बराबर, इनको परेशानी भी नहीं होगी ज़्यादा, और बराबर है, और गायों का भाई ज़बरदस्त एक सेटअप हो जाएगा। एल शेप में भी खोर है, तो ये हो जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं कंस्ट्रक्शन की वीडियो दिखाता रहूँगा कि काम होगा। बाकी ज़बरदस्त चबूतरा बैठक के लिए ज़बरदस्त है भाई, ऊँचा होके, ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये ख़ास तौर पे ये भी ज़्यादा अच्छा है भाई, टैंक वगैरह बना हुआ है इसमें, ठीक है, टैंक भी बना हुआ है, और ये चबूतरा भी बना हुआ है ऊंचा होके, तो गाड़ी हमारे वाले में परेशानी होती है, तो इसमें ऊंचा है तो पानी अंदर, वैसे तो पानी जमा ही नहीं होता इधर ना सोसाइटी में, तो ये है बारिश का पानी अंदर भी नहीं आएगा, और ये है कि ऊँचा होके कोई बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। तो भाई एक न्यू फार्म आपको माशाल्लाह कैसा लगा, ज़बरदस्त भाई, हमारी ब्रांच 2 हो गई हमारी है, ब्रीडिंग की ब्रांच 1 ब्रांच 2 हो गई भाई। चल अब मैं ना कंटिन्यू करता हूँ फार्म पे जाके जब शिफ्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। चले भाई शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, चारों को लेके जा रहे हैं एक साथ, और बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, माशाल्लाह इसकी मस्तियाँ देखें, माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से भाई, अभी ये भाग गई थी, बड़ा नचाया इन लोगों ने। चलो बढ़िया, आराम से, ओए हो, बस 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 बस, बस आराम से, ओए मोड़ जल्दी, हाँ बस 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 बस, बस 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 बस, भाई नदीम बांधे भाई पहली बर्तन में, ये तो बछड़ों से ज्यादा तेज है, बछड़ों से ज्यादा तेज है ये, नदीम बच्चे तो सेट रहेंगे ना भाई, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने है इसके टाइम में, और उसके टाइम में 4 महीने तकरीबन ना, तो ये बहुत इन्होंने जंपे मारी हैं भी बाहर, बस बस खड़ी रहे, बस माशाल्लाह बढ़िया, चेक करें इसके सिंग वगैरह बने, माशाल्लाह नदीम किले निकली हुई,
ये उठाओ, बस हाँ बंद बांध भी देख ले जैसा करे भाई। इसको बांधते हैं फिर वो दूसरे बच्चे लेकर आते हैं। मैंने इसको पकड़ लिया, ये माशाल्लाह भाई। चलो पानी पिला लो, अरे माशाल्लाह। बाकी भाई हाँ हाँ, आपको भी जाना है अभी, आपको भी जाना है। बाकी भाई सारे ओ, इसको देखो इसको उंगली मोड़ दी मेरी भाई, ये बहुत शरारती बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बस से बचा है माशाल्लाह। बस बस बाकी भाई सारे ना अब बोल रहे हैं कि जानवर वगैरह कहाँ जा रहे हैं, अब तुम सही से रहना ठीक है, खुला डुल्ला होके माशाल्लाह। बाकी दो बछड़ियाँ हैं, तीसरे वाले राउंड में लेके चलते हैं माशाल्लाह। ये पानी पिला रहे टक्कर मार पेट में, पेट में मार भाई क्या कर रहा है। इसका नाम करंट रखते हैं, करंट या रॉकेट, रॉकेट भी है इसका भाई नाम ना, जरा सोचते हैं दूसरा फार्म पे जाके। ये इसकी माशाल्लाह। चलो भाई चलो मुइन, चलो ना अब चलो, क्या हो गया, चलो भाई चलो। चल जाओ भाग जाओ, माशाल्लाह भाई नई जगह है ना, थोड़ी सी परेशान हो रही है। मुझे इस बच्चे को वहां बांध दो कोने पे, इस बच्चे को कोने पे बांध दो, आखिरी राउंड रह गया है। माशाल्लाह मलका वगैरह और ये बाकियों के तो नाम हमने रखे भी नहीं है माशाल्लाह भाई। ये रहमान भाई वाली बछड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मलका के बराबर पहुंच गई है, छोटी आई थी लेकिन माशाल्लाह कद वगैरह भी अच्छा कर लिया इसने माशाल्लाह। चलो बेटा चलो नए घर में, नए घर में देख फार्म से बाहर निकल रहे हैं कितने बड़े लग रहे हैं ये, अंदर पता नहीं लगता फार्म के अंदर। बस देख के कीले हैं उसके अंदर, बांसों के अंदर चले भाई। शिफ्टिंग हुई डन और माशाल्लाह भाई सारा माल अपना आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी थक गया भाई आज, बाकी ये छोटा मोटा काम रह गया दीवार होने के बाद, ये शेड कंप्लीट हो जाएगा और बाकी कल इंशाल्लाह कचरा वचरा सारा उड़ जाएगा जो इन्होंने सफाई वगैरह की, टायर वगैरह लगे हुए तो सेपरेट हमारा ये गायों का फार्म हो गया। ओए होए हो, ये देखें रहमान भाई की बछड़ी यार माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, बाहर निकल गई बड़ी बड़ी माशाल्लाह। इधर आ जाओ वहाँ नहीं जाना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें मस्तियाँ, ओए होए होए होए, ओ भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ वहाँ नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, चलो अरे
बस पकड़, बस 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 पकड़ा सी, पकड़ा सी। बच्चे इस तरफ कर दिए भाई सारे, और वहाँ पे बछड़ियाँ कर दी। अभी कल वल में सेट हो जाएंगी, बिल्कुल सेटिंग में ले आएंगे। अभी तो बहुत खुला खुला करके खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई आज आई होप कि आज आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से भाई दूसरा फार्म भी हो चुका है, तो अल्लाह पाक बरतना नसीब फरमाए। ठीक है भाई, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो आज लंबी भी हो गई है। और ठीक है भाई, इजाज़त है, वीडियो एंड हो रही है। नदीम साहब, मुइन साहब, शिफ्टिंग आपकी मैंने दिखा दी है, आपकी इतनी मेहनत, ये मेहनत सारी भाई बहुत बड़ी घास थी, ये छपड़ा ही नहीं दिख रहा था, तो ये सारी इन्होंने सफाई करी है। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।